हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड साइंस और मैं हूं गणेश। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी यूट्यूब पर आज हम देखेंगे पेटीएम का एक जो ऑप्शंस होता है पेटीएम वॉलेट, उसके अंदर हम पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और उसके बाद कभी कभी होता है कि हमें जैसे हम ज़्यादा मात्रा में पैसा, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है फॉर 20,000 रुपीज़, अब हुआ है क्या है कि मुझे इसे दूसरे अकाउंट में भेजना है। तो दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए मुझे देखिए यहाँ पर 20,000 रुपीज़ है। अब मैं इसे दूसरे अकाउंट में अगर भेजूँगा तो मुझे यहाँ पर चार्ज लगता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर 4% चार्ज देना होता है। ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़। पेटीएम वॉलेट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में मैं आपको बताता हूँ आज। पेटीएम वॉलेट का पैसा अगर किसी दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो आपको 4% चार्ज देना होता है, यानी 1,000 रुपये के ऊपर 40 रुपये। उस हिसाब से आपको आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितने 1,000 रुपये आप भेज रहे हैं और कितना चार्ज पड़ेगा। जब मैं ट्रांसफ़र करने लगा तो मुझे 20,000 पे 800 रुपये का वहाँ पर मैसेज आया था कि 800 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे। इसे आप वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं तो बहुत कोशिश किया था वापस करने की लेकिन नहीं हो पाया। लास्ट में मुझे एक रास्ता मिला उसे वापस करने का, तो मैं आपके साथ वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से पेटीएम वॉलेट में फंसा हुआ पैसा हम अपने अकाउंट में, ठीक है, दूसरे अकाउंट में तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, अपने अकाउंट में कैसे वापस कर सकते हैं। अगर आपको पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो डायरेक्टली आप अकाउंट से कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं कटता है। लेकिन वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र करने से चार्ज कटेगा। क्यों ऐसा होता है, क्यों आपका पैसा काट देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। पेटीएम वॉलेट एक ऐसा फीचर है, इसके अंदर जो पैसा रखा रहता है उसके ऊपर वो हाई इंटरेस्ट हमें पे करते हैं। हाई इंटरेस्ट यानी आप बोल सकते हैं या फिर हाई फैसिलिटी बोल सकते हैं। वो फैसिलिटी कैसे होती है, जैसे आप टिकट खरीद लेते हैं, ऑनलाइन टिकट खरीद लेते हैं ट्रेन का, बाई एयर का, या फिर कोई बस का खरीद लेते हैं वॉल्वो का, या फिर शॉपिंग कर लेते हैं, या फिर पेटीएम से वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें क्या है, सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के अलावा जितने भी सारे ट्रांजैक्शन हैं अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा कैशबैक देते हैं ये लोग। तो जब ये कैशबैक देते हैं तो वो किससे देते हैं, वो अपनी जेब से थोड़ी देते हैं, तो यहीं इसी से तो देते हैं वो कैशबैक, क्योंकि उनको वो निकालना भी तो कैशबैक जो हमको दूसरे कस्टमर्स को दे रहे हैं कैशबैक, कहीं ना कहीं निकालना भी है। तो इसलिए एक साइड में तो पेटीएम वॉलेट यूज़ करने के ऊपर बहुत सारा कैशबैक भी है, और दूसरी साइड में अगर पेटीएम वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं आप तो उसमें आपको 4% चार्ज भी देना होता है। लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं होती, मुझे भी नहीं थी पता ये चीज़। तो मैंने क्या किया, फिर 20,000 वॉलेट में किए, मैंने सोचा कि मुझे कुछ कंसेशन मिलेगा या फिर मुझे कुछ कैशबैक मिलेगा यहाँ से ट्रांजेक्शन करने में, तो कैशबैक तो खैर नहीं मिला, तो 4% चार्ज कटेगा ऐसा एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ। तो मैं शॉक्ड हो गया और उसके बाद मैंने ये स्टेप किया, फॉलो किया, और बहुत ट्राई करने के बाद मुझे ये नतीजा मिला। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे आप पासबुक में जाएंगे और पासबुक में जाने के बाद पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 बार 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था। अब इसके नीचे कोई भी ऑप्शंस नहीं है, रिटर्न टू बैंक या रिटर्न टू योर अकाउंट, ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है। जो ग्रीन कलर में आपको 10,000 दिख रहे हैं 2 बार, ठीक है, तो इसके नीचे हमें ऑप्शंस लाना है, वो कैसे लाना है। तो हम बैक चलते हैं एक बार, कम्प्लीटली होम स्क्रीन पर आ गए, तो उसके बाद 3 स्लिपिंग लाइन पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर पर, और यहाँ पर आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना होगा, माय पेमेंट सेटिंग्स दिखता है या एक ऑप्शंस, उसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा, माय पेमेंट सेटिंग के ऊपर। माय पेमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद एक और सेटिंग यहां पर मिलती है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और थोड़ा सा सबसे नीचे अगर आप चलते हैं यहां पर तो आपको एक टैब दिखती है नीचे, ऐड मनी रिफंड बैक, ठीक है, ऐड मनी रिफंड बैक टू सोर्स। ये अभी मतलब बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, इसे पहले हमें इनेबल करना होगा, ठीक है, इससे पहले हमें इनेबल कर दिया, और अब चलते हैं बैक, हमारा काम हो गया। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माय पेमेंट सेटिंग्स पर चलेंगे, माय पेमेंट सेटिंग्स पर जाने के बाद उसी के नीचे एक सेटिंग है उस पर चलेंगे, और उसके सबसे नीचे चलेंगे तो ऐड मनी रिफंड बैक का जो ऑप्शन है उसे हमें इनेबल करना होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। इसे इनेबल कर दिया, हमारा काम ख़त्म। हम वापस चलते होम स्क्रीन के ऊपर,
और सीधा पासबुक के ऊपर हिट करेंगे और यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में आपका पेटीएम वॉलेट जो है जहाँ पर आपके पैसे भी दिखा देते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट, इसमें चार्ज कटेगा, इसमें चार्ज नहीं करता, ठीक है, पेटीएम वॉलेट में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करेंगे तो चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन आपके फ्रेंड का, आपके फैमिली का, किसी का भी वॉलेट होना चाहिए तभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। लेकिन सेंड मनी टू बैंक पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और ये देखिए यहाँ पर बैंक मनी, और यहाँ पर मैसेज भी आया है, देखिए 4%, ठीक है, व्हेन यू टेक दिस मनी टू योर बैंक अकाउंट, यहाँ पर वी रिकमेंड टू सेंड योर मनी एनी वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट एट 0 चार्ज, यहाँ पर मैसेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि आप अगर किसी अकाउंट में वॉलेट से भेजते हैं पैसा तो 4% आपको देना होगा। हाँ, आपको अगर फ्री ऑफ चार्ज भेजना है तो आपको सीधा बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करना होगा, पेटीएम के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये है, ये तीन ऑप्शन हो गए। अब इसे भी हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो 10,000 रुपये के जो दो ऑप्शन थे यहाँ पर दिख रहे थे आपको ग्रीन कलर में, उसके नीचे ब्लू कलर में कोई भी टैक्स लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अभी उस ऑप्शन को इनेबल करने से अभी यहाँ पर लिखा आ गया है। अगर इस ऑप्शन के अलावा मैं कोई भी तरीका अपनाऊँगा ये पेटीएम वॉलेट का पैसा बैंक में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए तो मुझे 4% चार्ज देना ही होगा। सिर्फ ये एक ही रास्ता है जो कि 0% चार्ज पे अपने अकाउंट में वापस आएगा, दूसरे के अकाउंट में नहीं। जिस अकाउंट से ये पैसा जमा हुआ था पेटीएम वॉलेट में उसी अकाउंट में वापस जाएगा, और वहाँ से फिर आप पेटीएम की ही मदद से आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही इस वीडियो का बनाने का मकसद था। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था जब 800 रुपये वहाँ पर मैसेज आया चार्ज कटेगा करके, तो मैं उसी टाइम पे मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ ताकि कोई और इस तरह के ट्रांजैक्शन में अपना जो पैसा है उसे ना खोए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो अब यहाँ पर मैं रिटर्न टू बैक पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर कन्फर्म एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू ट्रांसफ़र टू योर बैंक, और नीचे आप चलेंगे तो देखिए वी विल ट्रांसफ़र योर मनी टू योर बैंक इंस्टेंटली हाउ एवर योर बैंक में टेक अप टू 7 डेज टू रिफ्लेक्ट द अमाउंट इन योर अकाउंट, लेकिन 7 दिन के अंदर आएगा, लेकिन क्या है कि उसमें कोई चार्ज आपको देना नहीं होगा। तो ये मुझे पसंद है, मंजूर है, तो मैंने उसे कर लिया है। या देखिए योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड और 7 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में उतना के उतना ही पैसा क्रेडिट हो जाएगा 10,000। तो मैं इसे भी कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ और हुआ, रिटर्न टू बैंक पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे कंफर्म कर लेता हूँ, और इसका भी मैसेज आ गया है, इस पर भी ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अभी 7 डेज लगेंगे और उसके बाद मेरा जो पैसा है मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। तो यही था इस वीडियो का बनाने का मकसद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो पसंद आई तो पहले तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, और उसके बाद आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि अच्छे अच्छे टॉपिक्स है हमारे चैनल में मिलते हैं, तो आप बिल्कुल इसे बेझिझक शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।